नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी से कन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को माधुरी पुस्तक के माध्यम से पाठ 6 एक मकड़ी थी के बारे में मौखिक कौशल और लिखित कौशल करवाया था। मुझे अधिक उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को मौखिक कौशल और लिखित कौशल, ये लिखित कौशल में ख नंबर कराने जा रहा हूं। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के जाइएगा और आपका ख नंबर है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लिखित कौशल में ख नंबर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। इसमें पहला है आपका मकड़ी क्या बनाना चाहती थी, यानी पहला क्वेश्चन है आपका कि मकड़ी क्या बनाना चाहती थी। ऑप्शन में है पहला ताला, दूसरा जाला और तीसरा माला। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा जाला। मकड़ी क्या बनाना चाहती थी, तो मकड़ी जाला बनाना चाहती थी। तो इस तरह से को पहला का दूसरा नंबर सही है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, सबसे पहले मकड़ी को किसने टोका, यानी सबसे पहले मकड़ी को किसने टोका। ऑप्शन है बिल्ली ने, दूसरा चिड़िया ने और तीसरा कॉकरोच ने। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर का पहला, बिल्ली ने, ठीक ना। इसमें दूसरे का सबसे पहले मकड़ी को किसने टोका, बिल्ली ने। और तीसरा नंबर में देखिए, किसकी बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती समझ में आई, यानी तीसरा नंबर किसकी बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती समझ में आई। ऑप्शन में कॉकरोच की, दूसरा नंबर बिल्ली की और तीसरा नंबर चींटी की। तो इसमें सही उत्तर होगा चींटी की। इस तरह से ये आपका ख नंबर का समाप्त हुआ। इसके बाद ग नंबर देखिए, किसने कहा, ग नंबर किसने कहा पहला, यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में। यह बात किसने कही, तो इसमें सबसे सही उत्तर होगा बिल्ली ने। यहां पर आप लोग बिल्ली भर दीजिएगा। देखिए ग नंबर पहला, यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में, यह बात किसने कही, बिल्ली ने। दूसरा नंबर, यहाँ से तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी, यह बात किसने कही, तो यह बात चिड़िया ने कही। किसने कही, चिड़िया ने। यहाँ पर चिड़िया आप लोग लिख दीजिएगा। यहां से तो तुम अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी, यह बात चिड़िया ने कही। यह इसमें चिड़िया भर दीजिएगा। और इसके बाद तीसरा नंबर देखिए,
अरे यहाँ कहाँ जाला भून रही हो, यह तो बेकार ही अलमारी है। यह बात किसने कही? अरे यहाँ कहाँ जाला भून रही हो, यह तो बेकार ही अलमारी है। तो यह बात आपको काकरोच ने कही। यहाँ पर आप लोग काकरोच भर दीजिएगा। यानी तीसरा नंबर, अरे यहाँ कहाँ जाला भून रही हो, यह तो बेकार ही अलमारी है। यह बात काकरोच ने कहा। और इसके बाद चौथा नंबर आपका, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। यह बात किसने कही? तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। तो यह बात चींटी ने कही। यह बात किसने कही? चींटी ने। तो इस तरह से बच्चों देखिए, चौथा नंबर आपका, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। यह बात चींटी ने कही। इस तरह से आपका लिखित कौशल समाप्त हुआ। अब आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, साथ ही एक पेज सुंदर राइटिंग आप लोग लिखिएगा। और इस ये जो पार्ट छ है, मौखिक और लिखित जो करवाया जा रहा है, उसको आप लोग याद कीजिएगा। स्कूल खुलने के बाद आप लोगों से आपकी कॉपी देखी जाएगी और सुना भी जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मैं भाषा कौशल कराऊंगा।